ऑडियो 10 पुस्तक ईश्वर और उसकी अनुभूति। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य परमात्म तत्व से स्थायी संबंध स्थापित करना है और मनुष्य उस परम प्रवाह की एक अविच्छिन्न तरंग है, यह प्रतीति प्राप्त कर लेना ही आत्मज्ञान माना गया है। इसका एकमात्र उपाय आत्मचिंतन है, जिसे विचार क्रिया भी कह सकते हैं। इस प्रकार यदि हम इस विचार का अभ्यास करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहें कि हम स्थूल नहीं सूक्ष्म जीवन है जो अजर और अमर है, जिसका सीधा संबंध उस परमात्म तत्व से ही रहता है, किंतु अज्ञान का अंधकार उस सत्य का अनुभव नहीं होने देता, इसीलिए अब हम उस अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ गए हैं। हमारी यह प्रतीत निरंतर बढ़ती जाती है कि हम बिंदु रूप में सिंधु और आत्मा के रूप में परमात्मा ही है, जो कोई कारण नहीं कि हम शीघ्र ही अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। ऐसा विचार आत्मा से ग्रहण करते ही वह सर्वव्यापक परमात्म तत्व व अनंत जीवन हमारी ओर आकर्षित होता हुआ हमारे जीवन में और हमारा जीवन बढ़ता हुआ उसमें मिलने लगेगा, और तब हमारे बीच के सारे व्यवधान और अवरोध व्यर्थ हो जाएंगे। फिर चाहे वह देहाभिमान हो अथवा मोहांधकार। शीर्षक, उपासना आवश्यक है और अनिवार्य भी। परमात्मा के जितने ही समीप हम पहुंचते हैं, उतनी ही श्रेष्ठताएं हमारे अंतःकरण में उपजती तथा बढ़ती हैं। उसी अनुपात से आंतरिक शांति की भी उपलब्धि होती चलती है। हिमालय की ठंडी हवाएं उन लोगों को अधिक शीतलता प्रदान करती हैं जो उस क्षेत्र में रहते हैं। इसी प्रकार आग की भट्टियों के समीप काम करने वालों को गर्मी अधिक अनुभव होती है। जीव ज्यों-ज्यों परमात्मा के निकट पहुंचता जाता है, त्यों-त्यों उसे उन विभूतियों का अपने में अनुभव होने लगता है जो उस परम प्रभु में ओतप्रोत है। उपासना का अर्थ है पास बैठना। परमात्मा के पास बैठने से ही ईश्वर की उपासना हो सकती है। साधारण वस्तुएं तक अपनी विशेषताओं की छाप दूसरों पर छोड़ती है, तो परमात्मा के समीप बैठने वालों पर उन दैवी विशेषताओं का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। पुष्प वाटिका में जाते ही फूलों की सुगंध से चित्त प्रसन्न होता है। चंदन के वृक्ष अपने समीपवर्ती वृक्षों को सुगंधित बनाते हैं। सज्जनों के सत्संग से साधारण व्यक्तियों की मनोभावनाएं सुधरती है। फिर परमात्मा अपनी महत्ता की छाप उन लोगों पर क्यों न छोड़ेगा जो उसकी समीपता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आत्मा के परमात्मा के निकट पहुंचने पर वही बात बनती है जो गर्म लोहे और ठंडे लोहे के एक साथ बांधने पर होती है। गर्म लोहे की गर्मी ठंडे में जाने लगती है और थोड़ी देर में दोनों का तापमान एक सरीखा हो जाता है। दो तालाब जब तक अलग अलग रहते हैं, तब तक उनके पानी का स्तर नीचा ऊंचा बना रहता है, पर जब बीच में नाले निकालकर उन दोनों को आपस में संबंधित कर दिया जाता है, तो अधिक भरे हुए तालाब का पानी दूसरे कम पानी वाले तालाब में चलने लगता है, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि दोनों का जल स्तर समान नहीं हो जाता। दो जलाशयों का मिलना या गर्म ठंडे लोहे का परस्पर मिलना जिस प्रकार एक रूपता की स्थिति उत्पन्न करता है, उसी प्रकार उपासना द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होने पर जीव में दैवी गुणों की तीव्र गति से अभिवृद्धि होने लगती है। किसी व्यक्ति की उपासना सच्ची है या झूठी है, उसकी एक ही परीक्षा है कि साधक की अंतरात्मा में संतोष, प्रफुल्लता, आशा, विश्वास और सद्भावना का कितनी मात्रा में अवतरण हुआ। यदि यह गुण नहीं आए हैं और हीन वृत्तियों उसे घेरे हुए हैं, तो समझना चाहिए कि यह व्यक्ति पूजा पाठ कितना ही करता हो, उपासना से अभी दूर ही है। पूजा पाठ अलग बात है, उपासना अलग। उपासना के लिए पूजा पाठ से कर्मकांड की चिन्ह पूजा करते रहने मात्र से उपासना का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। जीव को जीवन धारण करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है,
पर शरीर ही जीवन नहीं है। जीव विहीन शरीर देखा तो जा सकता है पर उसका कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार उपासना विहीन पूजा भी होती तो है पर उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आत्मा जब परमात्मा की गोदी में बैठता है तो उसे प्रभु की सहज करुणा और अनुकंपा का लाभ मिलता है। उसे तुरंत ही निर्भयता और निश्चिंतता की प्राप्ति होती है। हानि, घाटा, रोग, शोक, बिछोह, चिंता, असफलता और विरोध की विपन्न स्थितियों में भी उसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे इन प्रतिकूलताओं में भी अपने हित साधन का कोई विधान छिपा दिखाई पड़ता है। वस्तुतः विपन्नता हमारी त्रुटियों का शोधन करने और पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए ही आती है। आलस्य और प्रमाद को, अहंकार और मत्सर को, मनोभूमि को हटाना ही प्रतिकूलताओं का उद्देश्य होता है। सच्चे आस्तिक को अपने प्रिय परमेश्वर पर सच्ची आस्था होती है और वह अनुकूलताओं की तरह प्रतिकूलताओं का भी खुले हृदय से स्वागत करता है। माता मधुर मिष्ठान भी खिलाती है और आवश्यकता पड़ने पर कड़वी दवा भी खिलाती है। दुलार से गोदी में भी उठाई फिरती है और जब आवश्यकता समझती है डॉक्टर के पास सुई लगवाने या ऑपरेशन कराने के लिए भी ले जाती है। माता की प्रत्येक क्रिया बालक के कल्याण के लिए ही होती है। परमात्मा की ममता जीवन के प्रति माता से भी अधिक है। प्रतिकूलताएं प्रस्तुत करने में उसकी उपेक्षा या निष्ठुरता नहीं, हित कामना ही छिपी रहती है। अपनी कठिनाइयों को हल करने मात्र के लिए, अपनी सुविधाएं बढ़ाने की लालसा मात्र से जो प्रार्थना पूजा करते हैं वे उपासना के तत्व ज्ञान से अभी बहुत पीछे हैं। उन्हें उन बालकों में गिना जाना चाहिए जो प्रसाद के लालच से मंदिर जाया करते हैं। ऐसे बच्चे वह आनंद कहाँ पाते हैं जो भक्ति रस में निमग्न एक भावनाशील आस्तिक को प्रभु के सन्मुख हृदय खोलने और मस्तक झुकाने में आता है। प्रभु के चरणों पर अपनी अंतरात्मा को अर्पण करने वाले भाव विभोर भक्त और प्रसाद की मिठाई लेने के उद्देश्य में खड़े हुए भिखमंग में जो अंतर होता है वही सच्चे और झूठे उपासकों में होता है। एक का उद्देश्य परमार्थ है, दूसरे का स्वार्थ। स्वार्थी को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। परमात्मा की दृष्टि में भी ऐसे लोगों का क्या कुछ मूल्य होगा। लुहार अपनी दुकान पर लोहे के टुकड़ों से तरह तरह की चीजें बनाता रहता है। उन टुकड़ों को वह कभी गर्म करने के लिए भट्टी में तपाता है, कभी पानी में डालकर ठंडा कर लेता है। इस विसंगति को देखकर कोई भोला मनुष्य असमंजस में पड़ सकता है कि लुहार ने इस दुमुही प्रक्रिया को क्यों अपना रखा है। पर वह कारीगर जानता है कि किस लोहे के टुकड़े को बढ़िया उपकरण की शक्ल में परिणत करने के लिए दोनों ही प्रकार की ठंडी गर्म प्रणालियों का प्रयुक्त होना आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख का, धूप छांव का अपना महत्व है। रात दिन की अंधेरी उजेली विसंगतियां ही तो उसका कालक्षेप का एक सर्वांगपूर्ण विधान प्रस्तुत करती है। यदि मनुष्य सदा सुखी और संपन्न ही रहे तो निश्चय ही उसकी आंतरिक प्रगति रुक जाएगी। जो झटके प्रगति के लिए आवश्यक हैं उन्हें ही हम कष्ट कहते हैं। इन्हें सच्चा भक्त कड़वी औषधि की तरह ही शिरोधार्य करता है। सन्निपात का मरीज जैसे डॉक्टर को गाली देता है वैसी भूल समझदार आस्तिक ईश्वर के प्रति नहीं कर सकता। विपन्नताओं की स्थिति में धैर्य न छोड़ना आस्तिकता का प्रथम चिन्ह है, जिसे परमात्मा जैसी अनंत सामर्थ्यवान सत्ता के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त है वह किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति में क्यों डरेगा, क्यों अधीर होगा, क्यों निराशा और कातरता प्रकट करेगा। धैर्य और साहस की अजस्र धारा उसके मन क्षेत्र में से उठती ही रहनी चाहिए। जो आस्तिक है उसकी आशा कभी क्षीण नहीं हो सकती। वह केवल उज्जवल भविष्य पर ही विश्वास रखता है। अंधकार अनात्म तत्व है। आत्मपरायण व्यक्ति के चारों ओर प्रकाश केवल प्रकाश रहना चाहिए। उसे झुंझलाने और खिन्न होने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। आस्तिकता माने आत्मविश्वास। करने वाले को अपना भविष्य सदा उज्जवल एवं प्रकाशवान ही दिखाई देगा। उपासना का दूसरा प्रतिफल है श्रेष्ठताओं की वृद्धि। चूंकि परमात्मा समस्त श्रेष्ठताओं का केंद्र है उसका सानिध्य आत्मा को दिन दिन उत्कृष्ट बनाता चलता है।
भक्त को अपना भगवान सब में दिखाई पड़ता है, इसीलिए वह हर किसी की अच्छाइयां देखता है और उनकी चर्चा एवं विचारणा करते हुए अपने आनंद और दूसरों के सद्भाव को बढ़ाता है। निंदा और ईर्ष्या असुरता के दो प्रधान अस्त्र हैं। इनका प्रयोग उसी पर किया जा सकता है जिसके प्रति परायपन का, शत्रुता का भाव रहे। जब सब अपने हैं तो अपनों की निंदा कैसी, अपनों से ईर्ष्या कैसी। बुराई को तोड़ने के लिए नहीं, अच्छाई को बढ़ाने के लिए उसके प्रयत्न होते हैं। अच्छाई को बढ़ाना ही वस्तुतः बुराई को तोड़ना है। बुराई तोड़ दी जाए और उसके स्थान पर अच्छाई की स्थापना न हो तो टूटी हुई बुराई फिर उपज आती है। आस्तिकता का दृष्टिकोण अच्छाई को बढ़ाना होता है ताकि बुराई के लिए कोई गुंजाइश ही न रहे। वह सदा अच्छाई की चर्चा करेगा, प्रेम से दुष्टता को परास्त करेगा। दुष्टता करके प्रेम के अंकुरों को जला देना असज्जनों का काम है। आस्तिक असज्जन नहीं हो सकता। प्रेम, करुणा, आत्मीयता और सौजन्य की अजस्र धाराएं परमात्मा से प्रवाहित होती रहती हैं। प्राणी मात्र का पोषण, संरक्षण एवं अभिवर्धन इन्हीं विशेषताओं के द्वारा तो वह करता है। ऐसे प्रभु के समीप बैठने वाले में, उपासना करने वाले में यही विशेषताएं अवतरित होती हैं। अपने भाई बहनों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति अनंत करुणा और आत्मीयता की भावनाएं उपासक के अंतःकरण में उद्भूत होती हैं। उनको चरितार्थ करके वह अपने जीवन को यशस्वी बनाता है और मन क्षेत्र में धारण किए रहकर अनंत शांति का अनुभव करता है। परमात्मा की उपासना का प्रतिफल पाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई व्यक्ति पुरुषार्थ के मूल्य पर मिलने वाली भौतिक संपदाओं को परमात्मा से मुफ्त में ही पाने की आशा लगाए हुए दीनहीन भिक्षुक की तरह बैठे रहते हैं। जिन्हें प्रेम और उत्सर्ग की उच्च भावनाओं से प्रेरित होकर प्रभु के चरणों में बैठने की आकांक्षा है, उन्हें अपने प्रियतम का प्रेम प्रतिपादित करने के लिए क्षण भर भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उपासना वासना की आग को बुझाती है, तृष्णा की जलन को शांत करती है, चिंता, भीति और घृणा को, व्यथाओं को हटाती है जो मानव जीवन को निरंतर अशांत बनाए रहती है। उपासना और आत्मशांति एक ही वस्तु के दो पहलू है। आत्मा अपनी उद्गम सत्ता परमात्मा की ओर उन्मुख होगी तो निश्चय ही उसे प्रकाश मिलेगा। परमात्मा का प्रकाश पड़ने पर आत्मा भी अपने सच्चित आनंद स्वरूप के साथ प्रकाशवान दिखता है। ऐसे प्रकाशवान जीवन में नर से नारायण की, पुरुष से पुरुषोत्तम की, आत्मा से परमात्मा की प्रत्यक्ष परिणति दृष्टिगोचर होती है। इसीलिए उपासना को मानव जीवन की सर्वोपरि बुद्धिमत्ता माना गया है। शीर्षक, ईश्वर उपासना आवश्यक क्यों? चील अपने शिकार की खोज के लिए आसमान की ओर उड़ान भरती है। एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर वह गोलाई में चक्कर लगाना आरंभ करती है। वहां से उसे अधिक दूर दूर तक की चीजें देखने में सुगमता मिलती है। चील उस ऊंचाई से जमीन की प्रत्येक दृश्य वस्तु को बड़ी सूक्ष्मता से परखती है और जब उसे अपने शिकार का पता चल जाता है तो वह तेज झपट्टा मारकर उसे पकड़ ले जाती है। चील यह कार्य जमीन में या कम ऊंचाई वाले वृक्षों पर बैठकर भी कर सकती थी, पर छोटी ऊंचाई से छोटे स्थान का ही अवलोकन किया जा सकता है। छोटी सी जगह में शिकार मिले या न मिले, इस संदेह से बचने के लिए ही वह ऊंचे उड़ती, नीचे देखती और आसानी से शिकार ढूंढ लेती है। मनुष्य की स्थिति भी ठीक ऐसी ही है। अपने आसपास की वस्तुओं को वह स्थूल आंख और छोटे विवेक से परखता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में आने का वह अपना लक्ष्य अधिक निश्चयतापूर्वक खोज नहीं पाता। अपने जीवनोद्देश्य से अपरिचित रहे व्यक्ति का तौर तरीका, रहन सहन और विचार व्यवहार भी प्रायः अस्त व्यस्त श्रेणी में होते हैं। जिस मनुष्य ने सही लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त न किया हो उसका जीवन व्यर्थ ही समझना चाहिए। ईश्वर उपासना से मनुष्य को वह स्थिति प्राप्त होती है जहाँ से वह अधिक सूक्ष्मता, दूरदर्शिता एवं विवेक के साथ संसार और उसकी परिस्थितियों का निरीक्षण करता है। अपने ही क्षुद्र अहंकार से संसार की तुलना करने से मनुष्य के प्रत्येक कार्य में संकीर्णता रहती है। संकीर्णता के कारण आत्मा अपनी विशालता का, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का
आनंद नहीं लूट पाती, मनुष्य तुच्छ सा बना रहता है, ठीक उसी तरह जिस तरह सृष्टि के अन्य जीव जंतु। आत्मा के सच्चे स्वरूप के ज्ञान के लिए वह ऊंचाई अपेक्षित है जो ईश्वर उपासना से मिलती है। सही लक्ष्य का ज्ञान उस स्थिति का बार बार मनन किए बिना प्राप्त नहीं होता। जब भी कोई ईश्वर उपासना के लिए तत्पर होता है तो वह इस आधार को ही लेकर चलता है कि इस संसार की कोई मुख्य नियामक शक्ति अवश्य होनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई रचयिता होता है, विश्व का तब सृजनहार भी कोई होगा अवश्य। जब इस तरह की मान्यता अंतःकरण में उत्पन्न होती है तो तत्काल मनुष्य के सोचने के ढंग में परिवर्तन होता है। अब तक वह जिन वस्तुओं से अनावश्यक लगाव रख रहा था अब उसके प्रति कौतूहल पैदा होता है। तब तक जो वस्तुएं उसे सामान्य से प्रतीत होती थी अब उनमें विशद विज्ञान भरा दिखाई देने लगता है। इस तरह मनुष्य का ज्ञान विकसित होता है और विश्व के सच्चे रूप को जानने की छटपटाहट भी। यह दोनों बातें मनुष्य के सही लक्ष्य के चुनाव के लिए आवश्यक थीं। दोनों ही ईश्वर की उपासना से मिलती हैं। उदाहरणार्थ सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सागर, नदियां, पहाड़ आदि प्राकृतिक वस्तुएं जिन्हें साधारण मनुष्य यों ही देखकर छोड़ देते हैं, ईश्वर उपासक उन्हें विराट रूप में देखता है। वह सोचता है कि इतना बड़ा संसार बना कैसे, यह पदार्थ है क्या, यह शरीर कहाँ से आया और इसके भीतर निवास करने वाले अहंकार का स्वरूप क्या है। उपासना का स्तर जितना विकसित होता है गूढ़ प्रश्न उतने ही अधिक मात्रा में प्रस्फुटित होते हैं। विचार करने की क्षमता भी उसी अनुपात में बढ़ती है और यह निश्चय है तब मनुष्य अपने जीवनोद्देश्य की समीपता की ओर भी तीव्रता से अग्रसर होने लगता है। साधारण व्यक्ति इस संसार के भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढते हैं, ज्ञान का उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं होता, पर इससे मनुष्य जीवन में विकार पैदा होते हैं, बुराइयां आती और कठिनाइयां बढ़ती हैं। जब तक मनुष्य भौतिक सुखों में भटकता है तब तक वह अपनी परेशानियां ही बढ़ाता है। उसे यह ज्ञान नहीं होता कि सुख और दुख में अंतर क्या है। सुख समझकर भोगे जाने वाले भोग और इंद्रियां ही जब मनुष्य की मृत्यु का कारण बन जाती हैं, तब यह पता चलता है कि आत्म अज्ञानता के कारण ही वह स्थिति आई और उसका निराकरण एक ही तरीके से संभव है, उसी का नाम है ईश्वर उपासना, जहां से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ईश्वर उपासना में लगी हुई बुद्धि मनुष्य में इतना विवेक भरती है जिससे वह संसार की क्षुद्र वासनाओं से बचने का प्रयत्न करता है और विश्व के सर्वोच्च सत्य को पहचानने का प्रयत्न करता है। सच्चाई का अनुभव किए बिना सुख कहाँ? अज्ञान तो मनुष्य के दुख का ही कारण बताया गया है। अपनी आंख से अपनी आंख को देख पाना बड़ी कठिन बात है। जब कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो दर्पण ढूंढते हैं और उसके माध्यम से आंख की स्थिति का पता लगाते हैं। मनुष्य इसी तरह अपने भीतर ही बैठकर अपनी स्थिति का सही अंदाज नहीं लगा सकता। अपनी जानकारी ही पर्याप्त नहीं, अपने आस पड़ोस की वस्तुएं व परिस्थितियां जिनसे मनुष्य प्रतिक्षण प्रभावित होता है उनकी भी जानकारी आवश्यक है। इन सब का ज्ञान किसी सबसे ऊंची जगह बैठकर ही किया जा सकता है। वह स्थिति ब्रह्म ही हो सकती है। ब्रह्म की अनुभूति के साथ साथ ही संसार के सच्चे ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ईश्वर उपासना का अर्थ है अपने आप को विकसित करना, चील की तरह ऊपर उठकर अपनी निरीक्षण वृत्ति को चौड़ा करना। जो जितनी ऊंचाई पर उठकर देखता है उसे उतना ही दूरदर्शी विवेकवान समझा जाता है। जब सारी वस्तुओं की स्थिति का सही पता चल जाता है तो फिर यह कठिनाई नहीं रहती कि किसे चुने किसे न चुने। इस प्रकार ज्ञान पैदा हुए बिना मनुष्य अपनी जिंदगी सुखपूर्वक बिता नहीं सकता।